भारतीय भारतीय संविधान की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने कानून की वजह से बोल रहा हूँ। मुझे हक अधिकार है बोलने का। हमारे बीच में मुद्दे हैं रोजगार, चिकित्सा, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी, अत्याचार, बलात्कार है, शिक्षा, उनके ऊपर तो कोई बात नहीं करने को राजी। बस हिंदू मुस्लिम चाहिए आप लोगों को। खुद षड्यंत्र रच रहे हैं और खुद अपने आप ही हीरो बनते हैं, क्योंकि मीडिया भी इनकी है, सरकार भी इनकी है, न्याय विभाग भी इनका है और कार्यपालिका भी इनका है। अरे संविधान यात्रा निकालो ना, क्यों पाखंडवाद यात्रा निकाल रहे हो आप? और वो आज इंसानों को ही मूत पीने पे जानवरों का आमादा है, तो वो क्या इंसानियत लाएंगे, क्या संविधान बचाएंगे? ये जो माने सर है वो भी ओबीसी का बंदा है, उसको भी गुमराह किया हुआ है इन्होंने, आतंकवाद बना दिया उसको भी, वरना वो भी इंसानियत का ओबीसी का शूद्र है। यदि उसको सीधा बतला दिया जाए कि इस वर्ण व्यवस्था में तुम शूद्र हो। वो रोज डेली कहते हैं जी हम तो दोबारा से भी शोभा यात्रा निकालेंगे। शोभा यात्रा कौन सी निकालो? संविधान की निकालो। संविधान लो हाथ में, समता, समानता, न्याय, बंधुता की आवाज तो बदल रहे हैं। सौहार्द पैदा करने के लिए आप करिए, निकालिए मार्च, मैं चलता हूँ आगे सबसे पहले। लेकिन संविधान बदलने की बात कही जा रही है ना लगातार। हाँ, क्या कहेंगे भाई साहब? ये तो संविधान तो बदला हुआ है, यहाँ पे कौन सा भारतीय संविधान लागू है? भारतीय संविधान तो कागजों में और उसमें अलमारी में रखा हुआ है, कौन सा यहाँ पे हमारे? लेकिन आप बोल तो बोल भी तो संविधान की वजह से ही रहे। मैं भारतीय संविधान की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने कानून की वजह से बोल रहा हूँ। मुझे हक अधिकार है बोलने का। हम यहाँ पर हमेशा के लिए, तो वही हक अधिकार तो आपको संविधान में दिया गया। की मानवता की बात करते हैं हम लोग, डरते नहीं है, हम हमेशा बात करेंगे, समझे? तो गांधी साहब अभी लगातार जो मुस्लिमों पे हमले हो रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं आप? लगातार हमले हो रहे हैं भाई, मुस्लिमों को थर्ड सिटीजन बना दिया गया, तो और क्या होगा इस पे? अब बतलाइए मुझे, कभी कभी ज्ञान व्यापी मस्जिद पे, कभी बावरी मस्जिद पे, कभी अभी मथुरा पे, इनके पास में मुद्दे नहीं है, जबकि हमारे देश में मुद्दा है रोजगार का, महंगाई का, चिकित्सा का है। हमारे बीच में मुद्दे हैं रोजगार, चिकित्सा, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी, अत्याचार, बलात्कार है, शिक्षा, उनके ऊपर तो कोई बात नहीं करने को राजी। बस हिंदू मुस्लिम चाहिए आप लोगों को, है हिंदू मुस्लिम ही करके रखोगे, क्या होगा हिंदू मुस्लिम? अभी सुप्रीम कोर्ट देखिए, बाबा कौन फूले साहब की किताब उठाइए और यहाँ संविधान की वो देखिए कि सुप्रीम कोर्ट तक का न्याय है कि हिंदू कोई धर्म मजहब कुछ नहीं है, है? अभी मोहन भागवत जी भी ने भी कहा था, तो आप लोग क्यों हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़े? कर कौन रहा है हिंदू मुस्लिम? और अभी आप बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो, अरे क्यों नहीं सौहार्द की बात कर रहे हो, क्यों नहीं भारतीयों की बात? सवाल तो आप ही कर रहे हैं, भारतीयों के हक अधिकार सवाल तो आप ही कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है हिंदू? अरे ये लोग कर रहे हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, सरकार को, देश को गुमराह कर रही है एससी एसटी ओबीसी को। ये ब्लड के भाई है सब लोग, और उसके लिए बात नहीं कर रहे हो? भाइयों को लड़ाया जा रहा है, विचारधारा ही तो तब्दील हुई है, जातियां तो देखे 6740 बना दी। हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनोरिटीज के जो सांसद, विधायक, लीडर्स हैं, वो नहीं चाह रहे। तो कौन करवा रहे ये सब, कौन करवा रहा है? ये सरकार में बैठे हुए लालची लोग करवा रहे हैं, जो देश से गद्दारी कर रहे हैं, अपने घरों को भरने का काम कर रहे हैं, लोग लालची जो लोग हैं वो करा रहे हैं। वरना आज यदि 131 सांसद छोड़ दे विधायिका है, तो क्या होगा? देश की सरकार तुरंत गिर जाएगी। क्यों नहीं जो है स्वीकार लेके आ रहे उसके खिलाफ में? तो नू मेवात में जो घटना घटी इसके पीछे कौन था आखिर? किसके पीछे? नू मेवात सरकार है, पूरी पूरी सरकार का है, क्योंकि ये सरकार जो बनी हुई है ये आतंकवाद के ऊपर फैलाने के ऊपर बनी हुई है। इन्होंने सीधा दिखाया था गुजरात, क्या है गुजरात मॉडल, अरे गुजरात मॉडल में कितने अत्याचार हुए थे, हिंदू मुस्लिम ही तो बनाया था इन्होंने, और क्या मॉडल बनाया था है? वहाँ जो बानो कांड हुआ सबसे बड़ा और बहुत चर्चित हुआ, उसके हथियारों को, उसके बलात्कारियों को छोड़ दिया, तो और क्या, किसकी बहन बेटियाँ बचेंगी? जो एक इस्लाम मजहब मुस्लिम समाज समता, समानता, न्याय, बंधुता के ऊपर बना है, रचा गया, और यहाँ इस्लाम में जो पैदा हुआ, इस्लाम जो आया इंडिया में, वो समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित रह करके ही तो आया है यहाँ, नहीं तो मुस्लिम आने से पहले बतलाइए क्या होता यहाँ पे, क्या थी वर्ण व्यवस्था? और वर्ण व्यवस्था से आज जो मुस्लिम बने हैं वो कहीं बाहर का नहीं है, 98% मूल निवासी है यहाँ का, केवल एक विचारधारा चेंज हुई है। और वो क्यों हुई है कि हम तो गोबर खाने वाले, मूत पीने वाले, पत्थरों में सर फोड़ने वाले नहीं हैं, एक खुदा को मानने वाले, एक प्रकृति को मानने वाले और एक न्याय
यानी मानवता को, इंसानियत को बचाने वाले लोग हैं। लेकिन एक बात बताइए सर, जिस प्रकार से नूमेवात में हिंसा हुई उसके बाद से आर्थिक बहिष्कार की बात कही जा रही है मुसलमानों की। अरे भाई साहब, ये मुसलमानों का नहीं, आने वाले वक्त में देखिए एससी एसटी ओबीसी वहीं आ जाएगा जहाँ से चला था, ये गुलाम बना करके छोड़ेंगे। मुस्लिमों को इसके लिए टारगेट किया जा रहा है कि मुस्लिम सबसे बड़ा क्रांतिकारी होता है, सबसे बड़ा न्याय प्रिय होता है, इसलिए इन्होंने इन्हें दबा लिया। तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज तो पहले से ही ओबीसी है, पत्थर भी तो मुस्लिम ही मार भाई। उनके ऊपर जब तुम गोलियां चलाओगे, नंगे हथियार लेकर के दौड़ोगे अपनी जान बचाने के लिए, तो भारतीय संविधान में है हक, तो पत्थर मार देंगे शोभा यात्रा। अरे जो अपनी जान बचाने के लिए क्या नहीं करेगा, मतलब करना चाहिए। अरे शोभा यात्रा कहाँ से मुस्लिमों का आ गए? ये लोग खुद षड्यंत्र रच रहे हैं, और खुद अपने आप ही हीरो बनते हैं, क्योंकि मीडिया भी इनकी है, सरकार भी इनकी है, न्याय विभाग भी इनका है और कार्यपालिका भी इनका है, तो इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो आप फिर से निकलेगी 28 अगस्त को शोभा यात्रा? अरे भाई साहब, अरे संविधान यात्रा निकालो ना, क्यों पाखंडवाद यात्रा निकाल रहे हो आप? क्यों पाखंडवाद जो है धर्म सौहार्द के खिलाफ में आप जा रहे हो और बता रहे हो कि ये एक शोभा यात्रा? अच्छी शोभा यात्रा वो होती है जिससे मानवता फैले, जिससे इंसानियत का पाठ फैले, जिससे संवैधानिक बात फैले, जिससे विज्ञान की शिक्षा की बात हो। आप क्या बात करते हो उसमें, नंगे हथियार लेकर के मुल्ले काटे जाएंगे हैं, अलाना फलाना इस तरीके की ये विचारधारा फैला करके ये शोभा यात्रा होती है? बजरंग दल इंसानियत की बात नहीं करती है क्या? कौन सा बजरंग दल? अरे उसने तो एक इंसान को ऐसा जानवर बना करके उसका फेस ऐसा दिखा दिया कि हम तो देखे इंसानियत खत्म कर रहे हैं। जो इंसान को जब बच्चा पैदा होता है जानवर का, वो अपने माँ का दूध पीता है, ना कि गोबर खाता है, ना मूत पीता है, और वो आज इंसानों को ही मूत पीने पर जानवरों का आमादा है, तो वो क्या इंसानियत लाएंगे, क्या संविधान बचाएंगे, वो क्या यहाँ पैगाम देना चाहते हैं? फिर सवाल उठने लगेंगे कि आप लोग हिंदू से नफरत करते हैं। कौन नफरत करता है भाई? इंसानियत से नफरत नहीं, इंसानियत से, मानवता से प्यार करना ही एक हम लोगों का सबसे बड़ा धर्म होता है। कोई भी हो, उसमें कोई जाति मतभेद कुछ नहीं, धर्मवाद कुछ नहीं होता। धर्म तो मोनू माने सर के बारे में क्या कहना है भाई? धर्म एक धंधा होता है, एक दीन होता है, एक विचार होती है, उस विचारधारा पे मानवता की विचारधारा होती है। आपका धर्म धर्म है, दूसरे का धर्म धंधा? कौन सा बताइए आप मुझे। मेरा धर्म है इंसानियत। अच्छा, आपका धर्म है इंसानियत, आपका धर्म है मानवता। ये मानवता होती है, ये विचारधारा होती है। आप जो उसमें आप बताइए, यदि मैं धंधा पूछ रहा हूँ, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के कितने मंदिरों में आप जगह दे रहे हो हैं? अभी आप मुस्लिमों की मस्जिद में चले जाओ ना, वहाँ फकीर देखा जाएगा, ना वहाँ सवर्ण देखा जाएगा, ना वहाँ ओबीसी देखा जाएगा, ना वहाँ एससी देखा जाएगा। आपको इबादत करनी है, आप इबादत कीजिए, कोई नहीं रोक देगा। और वहाँ इमाम जो होगा नमाज पढ़ाने वाला, वो भी किसी जाति, किसी भी उसका ऊंच नीच कुछ भी हो, एक इंसान होना चाहिए। वो एक जो कानून है, जो इंसानियत का पाठ पढ़ाती है, वो कुरान की तिलावत हो जानी चाहिए उसके ऊपर, वो कुरान के जानने वाला होना चाहिए, वो इंसानियत का पैगाम देने वाला होना चाहिए, वो सब चीजें बात वही होती है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग कहते हैं कि सरकार कार्रवाई नहीं करती, लेकिन सरकार जब बुलडोजर की कार्रवाई करती है तो फिर आप लोग चिल्लाने लगते हैं। के जरिए से एक छोटी सी बात और कह दूं, हैं? उसमें कुरान पाक में एक आयत है, कुलियाल काफिरुना, आपका दिन आपको मुबारक, मेरा दिन मुझे मुबारक। देखिए एक आयत है, अकेले नहीं कर रहे चारों, इसलिए बनाए गए हैं कि ये जो हमले होते हैं इंसान के, मानवता के ऊपर जो जालिम लोग करते हैं, तो चारों को पकड़ लेना चाहिए, सर गिरफ्तार होना चाहिए। अरे भाई देखिए, ये जो माने सर है वो भी ओबीसी का बंदा है, उसको भी गुमराह किया हुआ है इन्होंने, आतंकवाद बना दिया उसको भी, वरना वो भी इंसानियत का ओबीसी का शूद्र है। यदि उसको सीधा बतला दिया जाए कि इस वर्ण व्यवस्था में तुम शूद्र हो, तो वो उनके साथ लगेगा ही नहीं। अभी ये नहीं है उनका। अरे भाई सुनिए, ये ओबीसी को गुमराह कर रहे हैं, ओबीसी वर्ग को यदि सीधा सीधा पाठ पढ़ा दे तो ये कभी हमारे देश में वायलेंस नहीं होगा। धर्म तो वही बचा रहे हैं। कौन धर्म बचा रहे हैं? नहीं लोग। अरे क्या धर्म है, मैंने बता दिया, तुम्हारा धर्म है चोरी करना, तो कह रहे हैं तो वो धंधा है, धर्म वो नहीं होता है। आप इंसानियत पे आइए, मानवता पे आइए। धन्यवाद। हिंसा किसने भड़काया? मेवात का मास्टरमाइंड कौन? सरकार है, बीजेपी है,
और कौन है उसमें जो बैठी हुई है? बड़े आरोप लगा रहे सर आप सरकार पर। और किस पर आरोप लगाऊंगा? अरे सरकार नहीं है तो कौन है बतलाइए? अरे सरकार वहां पे देखिए, यदि सरकार चाहे पुलिस चाहे तो क्या हो सकता है? आप चले जाओगे बाहर? आप यहाँ बैठ से बात कर लोगे? अभी इतने सारे लोग यहाँ से पैसा ले करके भाग गए हैं, उनके ऊपर क्या सरकार चल रही है? अरे भाई साहब बुलडोजर चल रही है, केवल गरीब व्यक्ति के लिए कानून है, मालदारों के लिए, पूंजीपतियों के लिए किसी के लिए नहीं है, सवर्णों के ऊपर कुछ नहीं है। केवल देखे सवर्णों को बचाने के लिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जहाँ दिखाई दिया तो इन लोगों के लिए कानून आ जाता है सामने, इन लोगों को कानून याद आ जाता है। और जब कोई सवर्ण जाति का ब्राह्मण बनिया ठाकुर की कोई बात आ जाती है तो इनकी मर्जी है वहाँ कैसे बचा करके उसको एक तरफा ले जाए। खट्टर जी ने अपना राजधर्म नहीं निभाया, यही कहना चाह रहे हैं इसको खट्टर जी को। कौन खट्टर? मनोहर लाल खट्टर। अरे वो कोई मनोहर लाल खट्टर नहीं, उसने तो जो है वो पूरे हरियाणा को जलवा रहा है, तो कहेगा खट्टर है, कहेगा वो मुख्यमंत्री है। अभी मणिपुर का भी मुख्यमंत्री कहाँ है? इन लोगों को तुरंत जो है वीरेंद्र को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ, कहता हूँ कि जो आज हमारे बीच में महामहिम राष्ट्रपति, यदि वो आदिवासी की सच में ही हमारी बहन है तो उनको तुरंत अपने आप का जो उनका हक अधिकार है उनको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। पूरे देश में जो है राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों नहीं लगा रहे शासन? तो कह रहे हैं शांति है चारों तरफ। कहाँ शांति है? आप मुझे बताइए, आप बताइए, आप लोग शांति में हो? मोदी जी ने कहा नहीं, मोदी जी को छोड़िए, आप बताइए आप शांति में हो? मोदी जी तो जैसे कहेंगे वैसे ही कहेंगे, अपने पैर खट्टे कौन बतलाएगा? आप मुझे बतलाइए, जो मुस्लिम समाज है उसको आज तक जो न्याय प्रिय के लिए लड़ता रहा है संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनली, उसको हक अधिकार क्यों नहीं दी जा रहा? मैं चाहता हूं कि उसको जितनी संख्या है उतने उसके भी जो है सांसद विधायिका जितने क्षेत्र हैं उनके एससी एसटी की तरह से उनके भी नियुक्त होने चाहिए। सबसे बड़ा वर्ग है मुस्लिम, उसको क्यों नहीं करा जा रहा वहाँ पे?